तनी क्या इसमें क्या है इस ड्रामे में, समझ नहीं आ रहा। मैं तो इस दफ़ा मैं फर्स्ट एपिसोड दोबारा देखा, जो कि मुझे इतना उस वक्त इतना नहीं अच्छा लगा था। मैंने जब दोबारा देखा है तो मैं आपसे भी कहूँगी कि इसका अब आप ना, क्योंकि मोहब्बत होगी हमें सीरीज से, फर्स्ट एपिसोड देखें। 24 मिनट्स पे एक शॉट आता है, वो कमाल है। मीना जी प्लीज़ डू वॉच। उसमें डायरेक्टर ने मुस्तफ़ा को दिखाया है कि कौन है ये बंदा, ना कैरेक्टर इसका दिखाया है कि जिसने ऐसे मुंह खोला यॉन करने के लिए और उसी में गिराया बेड पे। मैंने ऐसा शॉट कभी नहीं देखा। इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट को 7-8 दफ़ा मैं रिवाइंड करके देखा। प्लीज 24 मिनट्स पे फर्स्ट एपिसोड को देखिएगा, आपको अब ज़्यादा मज़ा आएगा। और बहुत सारी चीज़ें हमने उस वक्त मिस की हैं, मुझे लगता है देख भी रही थी बट मिस कर दी। तो क्योंकि नाउ आई एम इन लव विद द कैरेक्टर्स, इतना कुछ ये 2 एपिसोड्स में हुआ है। आइकॉनिक कैट फाइट, Where was your self-respect that time, honey? I love that, Naima. I love you. Honestly, I love her style. ये पहली अमीर बाप की बच्ची है जिस जो मैं इम्प्रेस हो गई। अमीर बाप की बिगड़ी हुई बच्ची, I like her. और मैंने क्या कहा था, नताशा और अदील का सीन ऑन हो जाएगा, बिल्कुल हो गया है। आप नादिया के पास हाथ दिखाने आया करें, नादिया इल्मे नजूम जानती है, predictions करती है। मैं बताया था, अब तो वो हो गया सीन ऑन, तो वो बड़ा ज़बरदस्त सीन उनका चल रहा है। लेकिन जो मेरा हमने बचपन से देखा कि जब हीरो एंटर होता है ना तो लोगों को मारने एंटर होता है ना, ऐसे करके होगा, स्लो मोशन में आ जाएगा, बाल उड़ेंगे। यहाँ हमारा हीरो हेलमेट उतारता है और जा रहा है अंदर फड्डा सॉल्व करने, है माँ का और भाई का और बीवी का। तो पहली दफ़ा घरेलू फड्डे के लिए हीरो जा रहा है और वो और डैशिंग लग रहा है हिमासत के। इट वॉज़ ब्यूटिफुल एंड दोनों की फाइट अमेजिंग। और उससे पहले मुस्तफ़ा का शजीना को मनाना, उस पर हम बाद में और बात करेंगे। एवरीथिंग वाज जस्ट अमेजिंग। मुझे अच्छा ये लगा कि amazing. वो जो शजीना मान जो बर्गर था वो ज़्यादा नहीं चला, वो फौरन ही मान गई। वो अच्छा हुआ कि एक दो एपिसोड में ही वो आपस में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। उसमें पैटी एक्स्ट्रा कर दी उन्होंने इस हफ्ते के बाद, फ्री पैटी भी मिलेगी उसको। डोंट थम्स अप। नो, ये मैंने आज तक, वैसे ये मैं बताऊँ, मैंने ये आज तक नहीं किया जो मरीना जी कर चुकी हैं, रुबीना जी भी करती थी, जिसमें सारे अंगूठे पैर हाथ। मैंने कभी तक किसी ड्रामे को नहीं किया, बट फॉर दिस वन हाथ पांवों के अंगूठों के साथ थम्स अप हुए जी। यस ऑनेस्टली मरीना जी, क्या कहीं कभी मैं कभी तुम के बारे इन दो एपिसोड इतने बुरे थे कि मैं क्या बताऊं। अच्छा ये थी प्रोमो लाइन मिल गई है। सो तो बिफोर आई जॉइंड, Did I start watching my? No, I started watching my Koreans after I came back. So I started watching Korean dramas, okay? And these ones I was watching, and I binge watch Korean dramas, and I love them, and I love the romance in Korean dramas because they're very clean, they're very genuine, they're very, what's the word? Very fairy tale-ish, but. They do it so well ke you just fall in love with those characters, right? That's what I'm experiencing in Kabhi Main Kabhi Tum. Main kehti hoon yani ki aapke Korean drama ke level ka ye, balki main to woh usse bhi zyada kuch nahi, khair lekin lekin phir bhi I think it's up there. It's up there, it's it's right up there, because I think is drama mein ek to Shirjina and Mustafa, they of course आप ब्लोइंग इट आउट ऑफ द वाटर, बट हम लोग पूरी फैमिली के साथ अटैच्ड हैं, किसके साथ क्या हो रहा है। इवन बहन आती है थोड़े दिनों के लिए आती है, और वो आती है तो घर में एक डिफरेंट इन्वायरमेंट आपका डिफरेंट हो जाता है। माँ जब खुश होती है इन्वायरमेंट डिफरेंट। अभी अब्बा जो हैं वो आ गए, ही इज़ बैक, ही इज़ नाउ, यू नो, सो यू नो द होल हाउस इज़ स्पीकिंग टू यू, द होल हाउस होल्ड इज़ स्पीकिंग टू यू। एंड This I wish to God was binge watch. ये मैं करूँगी, आई थिंक दफ़ा जब सारे एपिसोड्स आ जाएंगे ना मैं इसको दोबारा से binge watch करूँगी। But इसमें एक बहुत interesting element आया था, जिसमें जो हमारी third heroine जो अब आ गई है, when she's telling Natasha, when she's telling the guy that Rubab was always a very spoiled child. But we now know why she was spoiled, because she comes from a broken home. So it is a very interesting angle, because I think किसी भी character का एक तरीके से behave करने की एक history ज़रूर होनी चाहिए। And I wish
थोड़ा सा ये टैप इन और करें, बिकॉज ब्रोकन होम में क्या होता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे को ही लड़ाते हैं आपस में, मीनिंग वो या प्रेजेंट से आप उनको ख़रीद रहे होते हैं या आप ज़्यादा यू नो दैट देयर इज़ ऑलवेज दैट टसल एंड और यू जस्ट इग्नोर द चाइल्ड एंड देन द चाइल्ड फील्स कि नहीं एनीथिंग दैट आई गेट इट हैज़ टू बी माइन. और आई थिंक एक चीज और होती है जब ऐसे होता है ना तो बाप हमेशा माँ की बुराई करता है बच्चे के सामने और माँ हमेशा बाप की बुराई करती है. और अगर एक नॉर्मल घर है तो उसमें बच्चे के लिए माँ बाप ही उसके आइडियल होते हैं. जब आप उनके आइडियल को तोड़ते हैं ना तो वो बच्चे के लिए बहुत डैमेजिंग होता है. सो अब जब वो किसी चीज को पसंद करती है तो वो पोजेस करती है कि ये कहीं चला ना जाए, बिकॉज बाप भी चला गया, माँ भी चली गई, वो अकेली रह गई. सो दैट आई थॉट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल एंड आई विश उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो सिर्फ कह रहे हैं कि वो बदतमीज़ थी और वो हमेशा से ऐसी थी, यू नो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज इसका कैरेक्टर बहुत. एंड देन ऑफकोर्स नादिया हमारी नजूमी वॉज एब्सोल्युटली राइट. नताशा हमारी जो अदील और नताशा जो हैं अब वो एक आइटम होने वाले हैं. आस्ताना जो है बिल्कुल अब्दुल्ला शाह गाजी के बराबर में एक आस्ताना बनने लगा है जब अब जुमरात की जुमरात हैं चढ़ावे चढ़ाएं अपनी. लेकिन इस सारे इससे मुझे अदील पे ज़रा गुस्सा आ रहा है बिकॉज वो मुझे अब थोड़ा सा ठरकी लगने लगा है भी और ज़रा सा नदीदा लगने लगा है. मीनिंग ही वॉन्ट्स एवरी थिंग, ही डजंट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ एनी थिंग. और पता भी चल गया कि इस दफ़ा गड़बड़ भी कर रहा है, हेयर फेयर कर रहा है. कर रहा है ना बिल्कुल, पैसों में भी हेयर फेयर कर रहा है. एग्जैक्टली, जो सीन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था लेकिन फिर भी. बट द थिंग इज दैट यू नो दिस इज़ माई राइट, दिस इज़ वट आई मीन यार. वो भी एक कॉम्प्लेक्स से आता होगा जो हमने देखा नहीं है. बट फॉर मी लव लव टरन 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 टरन. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो शायद जजीज ने नोट नहीं की, पहले थी जी से पूछा था शायद उन्होंने की एक बड़ा जो फनी था. ओके My turn. वो अगर आपने नहीं किया आपके बाद में बताऊंगा कि वो तो क्या देखें था. I know कि यहाँ पे जो एक कोशिश है कि हम बेसिक जो मेन जो कैरेक्टर्स हैं मुस्तफ़ा और शर्जीना के अंदर हम इतने फंस जाएं कि जो बाकी जो सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं उनके जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं इन राइटिंग वो अब भूल जाते हैं. तो मैंने ये दो एपिसोड देखे, वेरी ब्यूटिफुली शॉट. ऑफ कोर्स लेट्स पुट हानिया एंड फहद मुस्तफ़ा असाइड फॉर अ बिट, उनका काम तो है ही जो है बहुत अच्छा है. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी. ये जो एक तो ठीक है एक कॉन्वर्सेशन में निकल आया कि रुबाब जो है वो क्यों ऐसी है. आगे पीछे नहीं पता माँ बाप कहाँ हैं उसके, देर इज़ नो रियल स्टोरी देयर, इट्स जस्ट इन कॉन्वर्सेशन दैट दे एक्सपोजिंग दैट शी वाइज़ शी अ ब्रैट. लेकिन कहाँ है माँ बाप, क्या है वो इतना ऐसा बाप तो बाहर इट वुड हैव बीन अ गुड थिंग, आई होप इट कम्स आगे, बट उन्होंने अभी तक नहीं किया. तो रुबाब का थोड़ा अभी भी बहुत एक सुपरफिशियल लेवल पे लग रहा है, टैंट्रम्स एंड ऑल दैट. दूसरा ये कि अदील का मुझे कैरेक्टर थोड़ा सा फॉस्ट लग रहा है, जहाँ पे टू शो कॉन्ट्रास्ट ऑफ बिटवीन मुस्तफ़ा एंड अदील. मुस्तफ़ा को हमने बहुत गुडी गुडी बना दिया, यहाँ तक कि वो कमरा भी साफ कर रहा है और सुधर गया है और मैच्योर हो गया, और एकदम से अदील जो है वो करप्ट भी हो गया और वो हो गया. तो आई थिंक टू शो कॉन्ट्रास्ट द राइटर हैज़ सुपर एक्सेल्ड अदील्स कैरेक्टर वेरी क्विकली इनटू अ बैड गाय. अच्छा नताशा का ये कि मुझे नताशा में कोई चीज़ नहीं नजर आई. मैं सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको इधर ही, क्योंकि फिर डिस्कशन में फिर ये बात नहीं रहेगी. वो जब अपने वो साथ में अपने कुली के साथ बैठा हुआ होता है और वो उसमें ये कहता है कि हम ये बहुत अरसे से चीज़ें करते आ रहे हैं, वो ये नहीं था, वो जो राइटर हमारे सामने अब लाया वो पहले भी इस तरह की चीजें कर रहा था. He's a crook, basically. He's got a crooked nature. But देखे ना उसको जो चाहिए मिलता है, यानी कि जिस अमीर औरत से शादी करनी है वो हो गई, जो पैसे चाहिए वो बनाता रहा है, obviously in the past also. तो इट्स नॉट लाइक ही इज़ नॉट अचीविंग हिज गोल्स. आई जस्ट फील जब नताशा का जो एंगल आ गया, अब नताशा में कोई ऐसी कोई खूबी या खास बात नहीं नजर आती जिसकी वजह से ये रुबाब को छोड़ दे, बिकॉज रुबाब इज रिचर, more sort of cultured, well better dressed, her English is much better. So let's be frank here, na. So I don't know what Natasha. और रुबाब जो है, रुबाब जो है वो ज़ई का पहाड़ भी नहीं बनाती. ज़ई की जगह ज़ई का पहाड़ था. हाँ, ज़ई था इस बार. हाँ, ठीक है. ज़ई का पहाड़. ज़ई का पहाड़ क्या होता है? ये रुबाब ने बोला है? नहीं, नताशा ने. ज़ई का पहाड़. नताशा की उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं. So basically यहाँ तो वाज़े हो जाता है कि नताशा is like a feeling of freedom.
कि मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि रुबाब कंट्रोल नहीं कर सक रही मुझे यहाँ पे ना, तो एक थोड़ी सी वो एक हिडन टाइप यू नो सीक्रेट चल रही. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इट्स दैट ट्रैक द ओवरऑल ट्रैक सीम्स अ लिटिल लिटिल फॉर्स्ड, नॉट टू मच, बट बैठ जाता है कहानी में. एंड ऑफकोर्स अदरवाइज एवरीथिंग एल्स लवली, बिकॉज यानी कि जो कैरेक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं, ओवरऑल जो फ्रेम बने हुए हैं, moments are very nicely developed, but I do find the Adil track to be a little artificial. अच्छा मैं मेरे इसमें एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप अदील के शूज़ में आप एक आदमी होते हुए जाके सोचें तो नताशा इज़ अ परफेक्ट चॉइस. मैरिड है, कोई मसला नहीं है, एक्स्ट्रा मैटर पीछे भी नहीं पड़ेगी. अफेयर की बात कर रहे हैं, दोनों को सूट करता है कि चलो हम अपना एक एक्स्ट्रा मैटर अफेयर चलाते हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, एक लाइफ लेसन है अफेयर ना, ये इनकी शादी को कितना अरसा हो गया होगा, रुबाब और अदील की शादी को कितना अरसा हो गया होगा. हाँ, अभी को, हाँ, कुछ ही अरसा हुआ है. इट्स स्टिल अ यंग मैरिज ना, इट्स नई शादी है, तो ये अभी वो अफेयर वाले फेज में बहुत जल्दी चला गया ना, लाइक वट एवर द इशू में बी. आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट अ बिग थिंग, पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, इट्स फाइन, यू नो, बट आई एम जस्ट सेइंग इफ यू लुक इन डेप्थ देयर इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स विद हाउ द कैरेक्टर्स हैव बीन डेवलप्ड नाउ, यू नो, दैट्स हाउ आई लुक एट इट, बट आई स्टिल गिव इट. राइटिंग की बात करेंगे, फरहत इश्तियाक साहिबा, नादिया. इन दो एपिसोड्स में बहुत बातें थी, सीन्स लंबे लिखे हुए थे, कमाल ये किया डायरेक्टर ने उसको ऐसे ब्रेक किया. कोई और ड्रामा होता वो सोफे पे बैठ के चलना था 15 मिनट, रामे जुनून होता तो चलता रहता एक ही सोफे पे. नहीं, लंबा सीन था, काटो नहीं, शूट ऐसे कर दिया. एक तो दूसरे दूसरे सीन्स बीच में लगा दिए, क्या कहते हैं उसको जब एक और ट्रैक का सीन्स आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं वो, इंटरकट. हाँ वो पता है, वही तो पता है, इंटरकटिंग आ गई. मैं चेक करी थी कि मुकरम को पता है या नहीं, तो मुझे तो पता है, तो इंटरकट आ गया, दोनों ट्रैक्स की बातें चल रही हैं, प्लस वो पता ही नहीं चला उसकी लेंथ, दे वर लॉन्ग सीन, सीक्वेंस था बनाने वाला. इतनी प्यारी लाइन, सिंपल, समझ आ रही हैं, कोई फिलोसफी नहीं, मज़ा आया. और कहीं नहीं कोई लाइन लगती है कि यार ये इस कैरेक्टर को सूट नहीं कर रही, आउट हो जाते हैं ड्रामे में. ये लग रहा है ये यही बोल रहा है, ऐसे ही मनाने आएगा, और कैसे मनाने आएगा, अच्छा तुम उठवा लो, तुम भिजवा दो राइडर क्या, तुम एक ढूंढ रहे हैं वो कोई रीज़न मिलने का. दोनों इतना मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, जहाँ नहीं भी लाइंस वहाँ भी लगता है बहुत कुछ बोल रहे हैं. तो जो बारिश वाला पूरा सीक्वेंस है वो वेरी ना खूबसूरत था. तो वो दोनों में राइटर और मैं डायरेक्टर कहती हूँ, दोनों ने इस दफ़ा कमाल किया. राइटर फिर वापस आए तो लाइंस अब आ गया है, खुद ही चार्जर देने, लैपटॉप देने, अब वो बुला नहीं रही अंदर, यहाँ क्यों खड़ी हो, मेरे बाप का घर है, जहाँ मर्जी खड़ी हो. अच्छा ठीक है, फिर बंदा अंदर ही बुला लेता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैंने कहा रोका. कितनी कैजुअल लाइंस है, ऐसे ही यार वो बड़ी अच्छी थी कि मेरे बाप का घर है तुम्हें क्या भाई मसला, अच्छा अंदर ही बुला लो. आ गए भाई, अंदर आके बैठ गए. सो ब्यूटीफुल द कन्वर्सेशन दैट हैपेंड. शर्जीना की अम्मी ने बोला ना कि फुप्पो के नए घर की मुबारकबाद देने जाना है, मैंने कहा घर खाली होने लगा. सही बात है, घर खाली होने लगा, मुस्तफा आने वाला है. बिल्कुल ऐसे, वो टाइम बहुत जबरदस्त था कि घर पे कोई भी नहीं है, वरना ऐसे नहीं डेवलप होने की सिचुएशन. रीजन कितना प्यारा बनाया था, रीजन इतना खूबसूरत था कि वो वैसे कॉल नहीं करती, कॉल किस बात पे की, जब उसको सैलरी ट्रांसफर की, सिर्फ ये का बहुत मनाने का तरीका कितना अच्छा, भी तुम्हारे पैसे हैं जो मर्जी करो, मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुम्हें ही दूंगा मैं. तो बहुत प्यारा पैचअप हुआ इन द मोस्ट नेचुरल वे, वरना बड़े अजीब अजीब तरीकों से हमारे यहाँ सुलह सफाइयाँ होती हैं. दिस वॉज वेरी जेन्युइन. फिर उसके बाद जो सबसे प्यारी लाइन अभी तक, अच्छा ये चल सकता था 18 एपिसोड, यही कहानी, लड़ाई, नाराजगी, नहीं, राइटर ने दो एपिसोड के अंदर अंदर इसको रैपअप किया इस क्योंकि मुझे दुख हो रहा था, एंड आई कुडंट टेक इट एनीमोर. मैं कहा सुलह कर लो बस, बहुत हो गया. शुक्र है दो एपिसोड के अंदर सुलह हो गई, क्लियर हो गई बातें. और तो वो शर्जीना मांजो बर्गर से एक हफ्ता ही चला होगा. यही है, महदूद वो लिमिटेड एडिशन था वैसे भी, तो पैटीज भी खत्म हो गई वैसे उसकी. तो जो लाइन है ना कि तुम मेरे शौहर हो, मेरे दोस्त हो, मेरी मोहब्बत हो, उसी पे ना बस खत्म हो गई बात. उसने कहा चलो भाई सामान पैक करो, घर चलिए. तो दैट वॉज सो ब्यूटिफुल, सारी लाइन्स इनकी. और जो फिर रुबाब बोल रही है इसके, जब भाई आता है इन्विटेशन के लिए, वहाँ जो लाइन्स बोल रही है, कितनी कमाल लाइन्स थी कि भी अच्छा मेरा क्या होलसेल का कपड़े का बिजनेस है, कपड़े की दुकान है, वो क्या करता है ऑनलाइन, अच्छा मुस्तफ़ा की तरह. मुझे तो खैर लाइन्स भी याद हैं, आप मुझसे कोई सीन पूछ लो, मुझे लाइन्स याद हैं. तो कितने नंबर्स हैं?
कि आ कितने सारे, भी तो बहुत सारे हैं। और सबसे प्यारा एक और, जब वो एंटर हुआ और बुशरा जी एज यूजुअल बेइज्जती के लिए रेडी होगी, हम थोड़ी बताओ सब बनाने लेके आएंगे तुम्हें, और वही एंटर्स हाथ रख के मैं लेके आया हूँ शर्जीना को। बात पता नहीं सही है नहीं, इस ड्रामे को देख के लगता है कि ये हमारे साथ हो रहा है। लड़कों को लग रहा है मैं हीरो हूँ, लड़कियों को लग रहा है मैं शर्जीना हूँ, क्या करें किसी भी उम्र की, एंड इट्स ओके। देखिए ना, आपको ख्वाब देखना है, मना तो नहीं जिस उम्र में भी हो, लेकिन लगता है जैसे हम ही अंदर हमारे साथ, दैट फीलिंग इज लाइक द रोमांस, यू फील इट, यार क्या हो रहा है इस ड्रामे में, समझाओ मुझे, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, बहुत अजीब फीलिंग हो रही है। 10 है यार, दिस टाइम द डायलॉग्स वर ब्यूटिफुल। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात महीना जी और रतिका जी याद आई कि हमने एक तस्करा किया था, बल्कि मैंने कहा था कि इतनी अच्छी शर्जीना दिखा दी है कि हर बहू पे ये प्रेशर होगा कि इतना ही, और उस पर बड़ा डिस्कशन हुआ इस चीज़ पे ना कि हाँ लड़कियों पे होता है प्रेशर और इस टाइप की चीज़। उस पर एक बहुत अच्छा कमेंट आया किसी ने, किया कहती है अगर मेरी सास एक है शर्जीना जैसी बनो, मैं भी कहूँगी कि अपने बेटे को आंसर है वहाँ पे कि अगर आपका बेटा मुस्तफ़ा जैसा होगा तो फिर बहू भी शर्जीना जैसी मिल जाएगी आपको, तो ऐसी अपनी बहू में प्रेशर मत डाल। ये ऐसी स्टोरी है कि ऐसे हाँ हीरो हीरोइन होते हैं, वरना बाकी जो हम ड्रामा में कहते हैं ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं। अच्छा, एक हाउएवर लाइन मुझे जिस पे था मुझे मसला लगा, शर्जीना एक जगह कहती है जब इसकी लड़ाई होती है रुबाब से, एंड शी सेज कि कम से कम मैं अपने मियाँ से जूते नहीं उठवाती, तो जब ये जूतों वाला एपिसोड हुआ वो तो वहाँ थी नहीं, उसने तो नहीं देखा, उसमें जावेद शेख और भूषण सारी तो उसे वैसे आइडिया होगा कि जिस तरह से कैसे ये मम्मी डैडी तो कभी भी नहीं बताएंगे शर्जीना को, तो उसको कैसे पता चला? तो बता सकते हैं, उसकी तो बड़ी दोस्ती हो सकता है, वो पास गई हो, वो कहे देखो यार मेरे घर में ही नहीं थी, जब वो आई जितनी बातें हुई हमने देखी, ये कितनी डायलॉग लिखा होगा ना राइटर ने तभी बोला है, तो ये राइटर ने क्यों लिखा जब वो उस वक्त नहीं थी। एक चीज ये भी तो है कि वो तो माँ बाप के सामने वो जूते 10 दफा उठवाती होगी, वो घर में मौजूद थी, इसने साथ रह रहे देखा होगा, पहले भी उठवाए होंगे उसने। आप बताइए आपको क्या लगता है? तो लगता है कि उसे पहले देखा हुआ होगा जूते, आप बहुत समझदार हैं, क्योंकि स्पेशल इवेंट नहीं था कि उस दिन उठवाए, तो वैसे भी तो ऐसे ही उसी एपिसोड में इवेंट हुआ है ना, इसलिए उससे पहले हुआ होगा। बट ये घर में रह रहे हैं तो ये उसे चीज नोट की होगी कैसे ट्रीट करती है अपने हस्बैंड को रुबाब जैसे। लेकिन जूतों वाला पर्टिकुलर वाकया वो मैंने कहा शी वाज नॉट देयर। हां चलें, वैलिड पॉइंट। मैना जी, मुझे इसका जो है रुबाब का जब उससे मिलती है बहनोई से, वो बहन से और बहनोई से, उन्होंने मुझे थोड़ा सा क्रास लगा उसकी जो जिस तरीके से वो बात कर रही थी, बिकॉज इफ़ यू आर दैट एजुकेटेड एंड यू सीन द वर्ल्ड एंड ऑल, आप कहोगे लेकिन आप इतना नहीं कहोगे। आई फेल्ट दैट वो दैट गोज इन राइटिंग एंड डायरेक्शन बोथ। आई थिंक इट कुड बीन हैंडल्ड विद अ लिटिल मोर क्लास। आई फेल्ट इट वॉज वेरी क्लासलेस the way she kept on saying this thing. अगर आप शर्जीना को खफा करना चाह रहे हो, तंग करना चाह रहे हो, रिवेंज लेना चाह रहे हो, क्योंकि शर्जीना वाज रूड टू हर, उससे रूड रही है, तो वो कह रही है कि अच्छा तुम्हारे घर वाले आपको बुरा लगा है वापस क्यों आ गई? नहीं नहीं, लास्ट जब वो आई है तो वो जरा सी वो थी, शी वाज अ लिटिल ऑफ, बट देन शी वाज ओके एट द एंड ऑफ इट। बट आई एम सेइंग इज अगर वो चाह रही है कि शर्जीना ना रहे यहाँ इस घर में, और वो बार बार कोई सिचुएशन देखती है जिसकी वजह से वो कर सकती है, मुझे ये थोड़ा सा लगा कि इट वाज अ लिटिल, बट अदरवाइज द इंटायर जो इनकी जो सीन था जब ये माफ़ी मांगने गया है, वेल ये तो बहाने से जो भी, वो पूरा जो दैट इंटायर जर्नी दैट दे टुक अस टू राइट टिल द एंड वेयर वी नाउ नो द मैरिज हैज बीन कंसुमेटेड, अब बच्चा आएगा बीच में कहीं ना कहीं तो आएगा ऑब्वियसली, बट इट वॉज जस्ट कोरियोग्राफ्ड रिटन, आई डोंट नो, इट वॉज जस्ट सो सो ब्यूटिफुली डन। आई जस्ट विश के बीच में अदील और नताशा के सीन्स ना होते, किसी और के सीन्स होते या इतने लंबे ना होते, बट आई गिव हर एन 8 फॉर श्योर। अदीगा जी, तो वो जो सीन था जहाँ शर्जीना और मुस्तफ़ा का पैचअप होता है वो बहुत ही खूबसूरत सीन था।
उन्होंने परफॉर्म भी बहुत अच्छी तरह किया है. वो ये भी एक होता है ना कि आप एक खूबसूरत सीन लिख देते हैं, फिर एक्टर्स अगर उसको संभाल ना सकें तो फिर ऑब्वियसली वो राइटर की भी मेहनत ज़ाया जाती है. यहाँ पे बोथ द आर्टिस्ट हैव मैनेज्ड इट वेल आल्सो. एंड बहुत अच्छी नादिया ने इसी कहा कि जहाँ वो लाइन कहती कि लव ऑफ माई लाइफ एंड तुम मेरी ज़िंदगी के यू नो मोहब्बत एंड इतना खूबसूरत, इट वॉज़ वेरी हार्ट फेल्ट. और उसकी एक इमोशन भी आपकी वो लगता है जैसे स्क्रीन से निकल के ना कुछ लग मतलब फील हो रहा था. यू कैन फील इट. उन दोनों की केमिस्ट्री ना बाकी बहुत जगहों पे ड्रामा में नहीं फील होता, उसको लग रहा था. या आपको जरा सी क्रिंजी मोमेंट्स आती हैं या आप कहते हो कि अच्छा हाँ ठीक है, या बिल्कुल ही फील नहीं होता. अच्छा देयर इज अ क्यूटनेस टू इट यू नो बिकॉज़ आई थिंक बोथ दीज पीपल हैव कैरीड देयर कैरेक्टर्स वेरी वेल. इनका ना कोई वो नहीं हुआ कहीं आउट, यानी कि बोथ फहद एंड हानिया there's not a single scene or a frame in this play where they have gone out of character in these two performances. तो जो भी आप करते हैं ना वो इतना वो आपको हजम हो जाता है कुछ इतना बिली. अब वो दोनों किरदार बहुत बिलीवेबल हो गए, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं आया इनके ऊपर ना. जहाँ पे जैसे मरीना ने भी कहा कि रुबाब के वो जो एक सीन था जहाँ पे वो बहनोई और वो भाई और बहनोई, आई मीन इट वॉज लाइक वॉट इज़ शी डूइंग, वाई शी सिटिंग here? She could have easily have sat. ठीक है वो अपने आप को फोर्स कर रही, थोड़ी belligerent है, spoiled है, सब है, लेकिन है तो पढ़ी लिखी लड़की और वो अपने आप को अपर क्लास तो समझती है ना, तो वो इस लेवल पर क्यों गिरेगी जहाँ पर वो इनको इतने घास डालेगी कि बोली जा रही अच्छा तुम लोग ये हो वो. शुगर कोटेड मे बी बट शी वॉज एक्चुअली अ लिटल आउट ऑफ कैरेक्टर. आई ऑल्सो एंड बट राइटिंग वाइज आई वुड से कि द ओवरऑल स्टोरी इज मूविंग वेल एंड ऑल्सो प्रॉपर एपिसोड शूट हुए हैं. बिकॉज बार बार मैं इस पॉइंट पे वापस आ जाती हूँ कि आपको पता चल रहा होता है कि लिखा कैसे किया है और शूट कैसे किया गया अकॉर्डिंग टू द एंड ऑफ द एपिसोड. कि जो फ्रीज फ्रेम आपका आता है कि डायरेक्टर ने इस एपिसोड को ख़त्म कहाँ किया है यू नो एंड कहाँ पे, यानी कि क्या क्वेश्चन मार्क छोड़ा है. सो बोथ एपिसोड्स हैड अ वेरी नाइस एंडिंग विच इज़ नाइस बिकॉज फिर आप अगले एपिसोड का इंतजार करते हैं कि अच्छा अब आगे जाके क्या होगा. एंड हैं छोटे छोटे फ्लॉज हैं लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है इसकी इज़ अ नाइस, यानी कि वी आर इन्जॉइंग इट. आई डेफिनेटली हैव अ प्रॉब्लम विद द सीन्स रिटन फॉर नताशा एंड अदील. एक और मसला ये है कि वो जो एक सीन था जहाँ पे ये बैठ के वो ऑफिस कॉलीग के साथ जब हेरा फेरी कर रहा होता है तो जब वो कहते हैं ना कि हम तो इतने अरसे से कर रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा मतलब है कि आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट, यानी कि इससे सबको घेरा हुआ है दफ्तर में कि सारे इसके साथ बिकॉज ऑब्वियसली इज इन अ वेरी सीनियर पोजीशन एंड ये कब से ये, मेरा मतलब थोड़ा सा मुझे वो अगेन लगा फर्स्ट के टू एस्टेब्लिश दैट इज अ रियली बैड गाय, कि हम पास्ट का भी दिखा रहे हैं कि यार ये तो पता नहीं कब से लगा हुआ है और आगे क्या करेगा. सो एनी वे देयर वाज थिंग्स आई हैड इश्यूज लेकिन आई विल स्टिल गिव इट एन 8. एक और चीज़ नोट की आप लोगों ने कि इस ड्रामे में हानियाँ तो हैं ही, यमुना भी आई थी, यमुना की नंद इकरा हैं और उनके बिलाल से शादी हो रही है. क्या 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 मैं लास्ट टाइम बोला था कि यमुना भी है. यमुना की नंद इकरा है. अच्छा सारे नाम और वो बिलाल की छोटी बहन है. तो बिलाल अब्बास भी आ गए, इकरा भी आ गई और आपकी यमुना भी आ गई और हानिया भी आ गई. अब देखते हैं अगले एपिसोड में किसकी जिठानी सज्जल निकलती है. सभा भी हो सकती है, कोई भी मायरा भी हो सकती है. सामने के नाम रख रहे हैं, सामने के नाम. आई थिंक मैंने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ड्रामा देखा जिसमें एक कैरेक्टर का नाम था अतीका. ओनली वन ड्रामा आई हैव सीन इन माय एंटायर लाइफ वेयर द कैरेक्टर्स नेम वाज अतीका. आई कांट इवन रिमेंबर द ड्रामा एंड आई सेड ओह वाओ समबडी इज एक्चुअली यूज्ड माय नेम फॉर अ चेंज, अदरवाइज यू गेट ऑल दीस नेम्स इरम एंड आयशा एंड मेरा नाम सिर्फ एक दफा इस्तेमाल हुआ है. अच्छा मुकर्रम बिकॉज अनयूजुअल नेम. वो बुलबुले में गलत नाम देती है तो मुकर्रम कहते हैं. इट्स अ लवली नेम. तो मेरी भाभी ने मुझे कहा पूरी के तुम्हारा नाम वो भी एक सेकंड के लिए मुकर्रम इज अ वेरी नाइस नेम, दे शुड यूज मोर. अभी तो दे यूजिंग सच डिफिकल्ट नेम. चलें हम फरजिया साहिबा नेक्स्ट ड्रामे में एक करेक्टर अतीका का होना चाहिए. अगर यमुना इकरा बिलाल सब आ सकते हैं तो फिर अतीका जी भी आ सकती हैं. ऑडियंस की बात करते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,800 हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में. और कभी मैं कभी तुम से फरत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं. लास्ट टाइम इट वाज व्हाट 11,000 और समथिंग, दिस टाइम 12,946 बनते हैं. 5.9 वोटिंग बढ़ गई है, बहुत बड़े मार्जिन से नंबर वन है राइटिंग में. बाकी जो बेबा वोटिंग है ब्रिलियंट.
अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, नादिया बदर महमूद, सुना आप कॉल करने वाली थी, बात हो गई, हो गई कास्ट हो गई। मैंने जो कमबैक किया था 17 साल बाद, मैंने ड्रामा जो दोबारा शुरू किया बदर का ही था, और मैं अपने जब ड्रामे देखती हूँ, मुझे मैं नहीं देख सकती अपने ड्रामे, मुझे शुरू से शर्म आती है, पता नहीं क्या, मैं देखती हूँ तो मैं अम्मी बुलाती थी और मैं कहती थी मैंने नहीं देखना। जो मैंने अपना वाहिद ड्रामा देखा वो बदर का ही ड्रामा था, एंड आई लव्ड इट, आई लव्ड माय सेल्फ इन इट। पहला ड्रामा जो मैंने अपना कभी देखा है, बहुत कमाल डायरेक्टर है, और बात भी हुई हमारी बड़ी डिटेल से। अच्छा अभी नहीं बता रही तो मैं, हालांकि कोई फेवरेटिज्म नहीं है, बदर के जो पहले दो ड्रामे आए हैं उसमें हमने कुछ छोड़ा है, मुझे तो डर था मैं कहा बदर मिलेगा तो मारेगा नेक्स्ट टाइम। तो आई एम वेरी ऑनेस्ट, एक तो मैं डरती किसी से नहीं, दूसरा ये कि मेरे अंदर एक वो सच्चाई का एक है, एक मसला, एक बीमारी कि नहीं, आई कैन नॉट बी बायस, जो मर्जी हो, यू नो दैट, फ्रेंड्स भी हो ना नाराज हो जाते हैं, जो पसंद नहीं करते वो दोस्त बन जाते हैं, तो आई डोंट केयर, बिकॉज मैं बहुत पैशन के साथ ये शो और अपनी